हाय फ्रेंड्स, मैं शिव जिज्ञासा। आज हम वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ओके, कि एक दूसरी रेफ्रिजरेशन प्रोसेस है जिस तरीके से एक वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम थी। ओके, बस इन दोनों में फ़र्क ये है कि इसके अंदर हम रेफ्रिजरेंट को, जबकि हम एब्जॉर्ब करते हैं इसके अंदर, और उसके अंदर VCRS के अंदर कॉम्प्रेस करते हैं। ओके, अभी इसके कंपोनेंट्स आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। अब डायरेक्ट इसके हम वर्किंग के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि रूम के अंदर से जो हीट होती है वो हमारा इवेपरेटर के अंदर से जो रेफ्रिजरेंट पास हो रहा होता है वो ले लेता है हीट, जिसके से क्या होता है रूम की एयर ठंडी हो गई होती है। ओके, फिर जो हॉट इवेपरेटर होता है रेफ्रिजरेंट, वो जाता है यहाँ पर एब्जॉर्बर में, जिस तरीके से आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ओके, फिर यहाँ से जाने के बाद क्या होता है कि यहाँ इसके अंदर क्या होता है कि वीक एमोनिया प्लस वाटर का सॉल्यूशन होता है, वो क्या करेगा थोड़ा बहुत हीट रिजेक्ट कर देगा। उसके बाद ये पंप की मदद से ये ऊपर पे पास किया जाता है हीट एक्सचेंजर के। ओके, हीट एक्सचेंजर में क्या होता है वो पास होने की वजह से उसका टेम्परेचर और बढ़ जाता है। ओके, हीट एक्सचेंजर से पास होने के बाद उसका टेम्परेचर और बढ़ जाता है। ये होता है जनरेटर। अभी यहाँ पे जो एमोनिया यूज़ हुआ है वो स्ट्रॉन्ग एमोनिया है, रेफ्रिजरेंट हम यहाँ पे एमोनिया ले रहे हैं। ओके, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एमोनिया था वो और हीट हो गया, जिसके से वो वेपर फॉर्म में आ गया और फिर यहाँ पे कंडेंसर में चला गया। ओके, भी कंडेंसर एयर कूल्ड होता है, यहाँ पे एयर फ्लो हो रही होती है, जिसके से क्या होता है कि वो अपना रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर कम हो जाता है और इवेपरेटर के अंदर से वापस वो हीट ले सके। इसके लिए यहाँ पे पहले एक एक्सपांसन वाल्व रखा होता है। ओके, एक्सपांसन वाल्व का फ्लो कंट्रोल वाल्व भी हम बोल सकते हैं, एक तरीके का यूज़ होता है एप्लीकेशन, तो उसकी मदद से उसका प्रेशर हम रिड्यूस कर देते हैं और जो यहाँ पे वीक एमोनिया प्लस सॉल्यूशन रह गया वाटर का उससे हम वापस हीट एक्सचेंजर से एब्जॉर्बर में पास करते हैं। जैसे ही वो नीचे आ रहा होगा हीट एक्सचेंजर की मदद से, कि उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, यहाँ पे से हीट हुआ है तो जो यहाँ से जो सॉल्यूशन आ रहा है वीक अमोनिया प्लस वाटर प्लस स्ट्रॉन्ग अमोनिया का, उसको अपनी हीट दे देगा और यहाँ ठंडा हो जाएगा। बस इस तरीके से साइकिल चलती रहती है। थैंक यू ऑडियो देखने के लिए। प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए।